हमारे गांव देहात में बिजली के ढांचे की क्या व्यवस्था है, ये किसी से छिपी नहीं है। बिजली विभाग के बड़े बड़े दावे हवा हवाई हो जाते हैं, वहीं कमोवेश शहरों का भी यही हाल है। इस दौरान बागे बहू इलाके में एक बिजली का खंभा टूट कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, रात का वक्त होने से बचाव हो गया। तारे डालते वक्त लोगों ने कहा भी, परंतु तारे डालने वालों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। खंभा कमजोर था, लोगों के कहने के बावजूद विभाग के कर्मी नहीं माने और लोगों के साथ बदतमीजी पर उतर आए। खंभा गिरने के साथ ही साथ वाले घर की दीवार टूट गई। इसका जिम्मेदार कौन है? जम्मू के मेटाडोर वाले अक्सर या यूं कहें ज्यादातर सवारियों से ओवरचार्ज कर रहे हैं। जहां मर्जी होती है वहां ब्रेक मार देते हैं। इसी क्रम में आज एक छात्र द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सामने मेटाडोर रोककर शिकायत की गई कि मेटाडोर ज्यादा चार्ज कर रहा है। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा तुरंत मेटाडोर का चालान काट दिया गया। अगर ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस कदम उठाए तो जो मेटाडोर वालों ने शहर में मनमर्जी कर रखी है उस पर लगाम लग जाएगा। जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवारों की आयु में छूट देने के लिए प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने आयु सीमा का मानदंड 18 से 28 निर्धारित किया है, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 18 साल का कहां से ग्रेजुएट होता है, हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। छात्रों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि हमें रिलैक्सेशन दी जाए 22 से 35 साल। आगे ही जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 22% हो गई है। डोडा जिले के खेलैनी नाले के पास सुबह एक ट्रक JK14D6072 अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया। इस हादसे में ट्रक चालक व क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों उधमपुर के रेणु के रहने वाले थे। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के बटमालू के दुकानदारों द्वारा प्रशासन से अपील की गई कि उनके यहाँ ड्रेनेज नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की मांग रखी। कश्मीर में अल्पसंख्यकों व प्रवासी लोगों पर हो रहे हमलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने उन्हें सुरक्षा देने का खाका तैयार किया है। जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या फिर प्रवासी लोग रह रहे हैं, उन इलाकों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। यही नहीं, लाल चौक सहित सभी संवेदनशील इलाकों में आतंकी हमलों को रोकने के लिए अतिरिक्त नाके भी बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आज फिर कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की साजिश के मामले में की जा रही है। एजेंसी के अनुसार लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर और इसी तरह के अन्य संगठनों और उनके सहयोगियों जैसे विभिन्न प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कैडर और उनके सहयोगी शामिल है। पुंछ में 46 घंटों के बाद भाटा डूलिया जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों ओर से सुबह से जारी गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया है। लोगों के अनुसार मुठभेड़ में बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईद मिलादुल नबी का त्योहार बेहद श्रद्धा और हकीकत के साथ मनाया गया। अंतनाग के काबा मार्ग दरगाह में पवित्र पैगंबर के भक्तों ने पवित्र अवशेषों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अखनूर कस्बे में 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत से विलय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान एक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जम्मू पुंछ संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा व अन्य बुद्धिजीवी बैठक में हिस्सा लेकर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का विषय है कि डोगरों को कितना सम्मान मिला और राज्य में तरक्की में अहम योगदान में डोगरों ने क्या खोया क्या पाया। ईद मिलाद उन नबी सौ के शुक्रवार को सामूहिक नमाज अदा करने के लिए कश्मीर भर से हजारों श्रद्धालुओं ने यहां हजरत बल दरगाह में दुआ मांगी। सांबा पुलिस ने पुलिस शहीदों के सम्मान में चल रहे कार्यक्रमों की अपनी श्रृंखला के एक भाग के रूप में
सरकारी डिग्री कॉलेज सांबा से जिला पुलिस लाइन शाह बलोदे सांबा तक अपने नागरिकों के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया था। 25 साल से कम उम्र के पुरुष, 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष व महिलाएं व लड़कियां शामिल थी। जिला पुलिस सांबा द्वारा प्रतिभागियों को जलपान कराया गया और साथ ही सांबा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे रास्ते में मिनरल वाटर के स्टॉल भी लगाए गए। दौड़ के समापन पर एसएसपी सांबा ने तीनों अलग अलग श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं के बीच पदक, नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए।